तो दोस्तों बेसिक इंग्लिश क्लास में आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। लास्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट तक क्लियर किए थे, आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। दोस्तों ये बेसिक इंग्लिश क्लास चल रहा है, अभी बेसिक क्लास है इंग्लिश का, और यहाँ की कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे। मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहां से वीडियो मिलेंगे, आप वो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं आज कॉम्प्लीमेंट। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा कॉम्प्लीमेंट पे बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ दोस्तों एक वर्ड आया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग का इधर उधर है दोस्तों, ध्यान देना है। एक कॉम्प्लीमेंट होता है मेरा, सॉरी यहाँ ई लगेगा। एक कॉम्प्लीमेंट होता है मेरा COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है पूरक। याद रखिएगा दोस्तों, इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग पूरक बोलते हैं, पूरक। और पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। पूरक का मतलब होता है दोस्तों पूरा करने वाला। सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिस भी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वर्ड हो, क्लाउज हो, फ्रेज हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे दोस्तों वर्ड भी आता है, क्लाउज भी आता है, फ्रेज भी आता है। याद रखना है, किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का एक ही मकसद होता है, या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, या तो वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ध्यान देना है दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कॉम्प्लीमेंट, या तो सब्जेक्ट के बारे में दे, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में दे। इसलिए कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों सब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। एक होता है दो सब्जेक्टिव और दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब में दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, तभी समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उस प्रयास किए हैं आप उसको आसान भाषा में समझा दें आपको, हम उसको आसान भाषा में आपके सामने ला दें, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो कि कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है। आप देखे होंगे कॉम्प्लीमेंट, आप पढ़े भी होंगे कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट। इसलिए ध्यान दीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हम जैसे अभी सेंटेंस लिए दोस्तों, हम एक सेंटेंस लिए सी इज अ डांसर, ये नया सेंटेंस लिए दोस्तों हम, सी इज अ डांसर। सी मेरा सब्जेक्ट है, इज तो वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ डांसर क्या हो गया, अ डांसर। ध्यान देना है दोस्तों, ये अ डांसर जो है ये सी के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। अ डांसर इट मींस ये सी के बारे में, सी यहाँ सब्जेक्ट है, सी के बारे में एडिशनल जानकारी दे रही है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। किसको, अ डांसर को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। याद रखना है दोस्तों, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ सी से ही रिलेटेड अ डांसर है, अलग अलग नहीं है, याद रखना ये भी दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट में ये चीज मायने रखती है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही वो वर्ड होता है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और दोस्तों ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर आई एम अ टीचर, अ टीचर हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात किए दिस चाइल्ड इज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, उसको कैसे समझेंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो
तो दोस्तों बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं आसान भाषा में समझा देंगे, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर आप पछताइएगा, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ध्यान देना, एक सेंटेंस लेते हैं, वी मेड यू कैप्टन, हम लोगों ने तुम्हें बना दिया, क्या बनाया, कप्तान बना दिया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप, यही तो ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने तुम्हें बनाया, तुम्हें बनाया डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है वर्ब के, एक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट यू पे हो रहा है, यू ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, दोस्तों ध्यान देना है। और कैप्टन, हम लोगों ने तुम्हें कैप्टन बना दिया, कैप्टन यहाँ कैप्टन बना है, कौन बना है, वी बन गया, नहीं दोस्तों कप्तान बना है, यू बना है, वी नहीं बना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल नॉलेज, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कैप्टन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे, तो कैप्टन को हम लोग बोलेंगे ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दे, एक और एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, दे मेड हिम चेयरमैन, चेयरमैन, दे मेड हिम चेयरमैन, उन लोगों ने उसे चेयरमैन बनाया, उन लोगों ने उसे चेयरमैन बनाया, समझिए चेयरमैन बनाया, इसमें आखिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, आखिर है तो कहां है, सब्जेक्ट हो गया, वी टू हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यही तो है, हम लोगों ने उसे बना दिया, क्या बना दिया, चेयरमैन, चेयरमैन किसको बनाया, उन लोगों को बनाया, नहीं वे लोग, उन लोगों ने उसे बना दिया, चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन कौन बन गया, वे लोग बन गए, नहीं हिम चेयरमैन बने हैं, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल नॉलेज, इट मींस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, अभी हम लोग समझे सब्जेक्ट क्या होता है, किसको हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर हम लोग देखे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट किसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट किसे बोलेंगे। दोस्तों ये सब थोड़ा सा आपको आसान लगता होगा, हमें भी लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों में से अधिकांश इस सब चीजों को इतनी बारीकी से नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, डेली नाम सुनते हैं, आपके घर में जो रहता है, आपके पास जो रहता है, आपका जो मित्र है, आपका जो दोस्त है, आप उसके पास रहते हैं, डेली नाम भी सुनते हैं, फिर भी उसके बारे में आप उसको जानते होंगे लेकिन पहचानते नहीं होंगे, हम यहाँ आपको पहचानना सिखा रहे हैं, आखिर कैसे पहचानेंगे, जानना अलग बात है, पहचानना अलग बात, हम आपको पहचानना सिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए पहचानना सीखिए, इंसान को दिल से पहचाना जाता है, तो आप भी वर्ड्स को दिल से पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात किए ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, इसमें जितना भी वर्ड्स का हम जिक्र किए हैं दोस्तों, जितना भी पॉइंट का जिक्र किए, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सेंटेंस हो, सबका अलग अलग आपको वीडियो लेक्चर हम उपलब्ध करवाएंगे, जहां पर उन सभी जानकारी को आपके सामने जरूर रखेंगे, जिससे आपको उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद फिर कभी भी क्लास जाकर या कोई वीडियो लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं हो, आप सेंटेंस को देखकर ही समझ जाएंगे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कौन सा, ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस है। दोस्तों ये तो मेरा बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास आपको पटरी पे हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पटरी पे आइएगा तो आपको भी बताएंगे कि नवीन सर का क्या स्पीड होता है,
नवीन सर का क्या स्पीड है, आप भी जान जानिएगा दोस्तों। आपको हम दौड़ाएंगे नहीं, अपने बलबूते नहीं खींच के लेके जाएंगे, आपको हम सिखाते हुए लेके चलेंगे, आप में भी स्पीड आएगी, इसी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ते रहे बहुत जल्दी अंग्रेजी सीखने के बहुत ही नजदीक होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक क्लास में एक दो क्लास और, सीरीज वन चल रहा है दोस्तों, इस सीरीज वन में एक दो क्लास और बेसिक क्लास देंगे दोस्तों, उसके बाद फिर हम सीरीज टू स्टार्ट करेंगे, वहां इससे भी नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश है वो हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए खाली मेरे इस चैनल पे, इस चैनल को आप लाइक तो कीजिए ही कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मैसेज आपके पास कहां से आएगा, नोटिफिकेशन कहां से आएगा आपके पास, और शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपको तो फायदा हो ही रहा है दोस्तों, उन बच्चों को भी फायदा पहुंचाइए जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके कि बिहार में भी इस तरह से अंग्रेजी हम लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वहां हम लोग बात करेंगे, यहां छूट गया है दोस्तों वर्ब, बीच का जो होता है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की बात हम नहीं किए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।